नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। बड़े अरमानों से बारात सजाई गई। उस बारात का दूल्हा तय नहीं था, लेकिन देश भर में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बाराती भी बुलाए गए। लेकिन बारात निकलने से पहले ही इनके बीच जूतम पेजार शुरू हो गई। अभी सगाई की तारीख भी नहीं तय हुई थी कि बाराती आपस में भिड़ गए हैं। और ये बारात कोई और नहीं है बल्कि वही इंडिया गठबंधन वाली बारात है जिसे 2024 के लिए सजाया जा रहा था। और जैसा हर बारात में होता है, ठीक वैसे ही इस बारात में भी कई फूफा पैदा हो गए, नाराज हो गए। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ रहा है। हर कोई अपने लिए ज्यादा सम्मान चाहता है और ऐसा नहीं होने पर एक दूसरे को लगातार कोसा जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस एक चालू और धोखेबाज पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। तो कमलनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना अपने वोट की बर्बादी है। नीतीश कह रहे हैं कि कांग्रेस को गठबंधन की कोई फिक्र नहीं है। तो शिवसेना कह रही है कि नीतीश बाबू संयम रखो। और तो और, कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो अलग ही गृह युद्ध छेड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से ही नफरत है। इन्हें हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से ही नफरत है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या गठबंधन का सपना मुंगेरी लाल के सपने जैसा साबित हो रहा है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। इंडिया में ऑल इज नॉट वेल, यानी इंडी गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। आज का आर पार जोरदार होगा और जबरदस्त होगा। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। उन्हें भी बोला, अरे भाई छोड़ो अगले से। बाजे गाजे के साथ बना इंडी अलायंस घर से निकलते ही कुछ दूर चलने से पहले ही बिखरने लगा है। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान क्या हुआ? मोदी से भिड़ने से पहले गठबंधन के साथ ही आपस में भिड़ पड़े। लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है, कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला, हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे, वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। सोचो कितना बड़ा चमत्कार है कि कांग्रेस पार्टी जिसने मंडल कमीशन रोका, मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने दी हो, वही दल आज कह रहा है कि हम जाति गणना कराएंगे, आरक्षण देंगे। सिर्फ सीटों तक ही सीमित नहीं है, अब जातिगत जनगणना पर भी क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। बिहार में हुए जाति वाले सर्वे ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खी और बढ़ा दी है। जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया। अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। पहले की सरकारों ने आंकड़ों को जोड़ने का काम कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ आंकड़ों को जोड़ करके नहीं बैठना है, मुझे तो जीवन को जोड़ना है। विपक्षी कलह का किस्सा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता, कांग्रेस का घेराव तो अब घर से बाहर तक शुरू हो गया है। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। उल जलूल लोगों के बयानों पर मत जाइए, ये देखिए। एक INDIA गठन किया गया, उसका नामकरण किया गया,
अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। यानी जिसकी आशंका थी हो वही रहा है। सभी के मन में सवाल थे। अपनी विचारधाराओं को भुलाकर मोदी के खिलाफ एनडीए गठबंधन बन तो गया, लेकिन क्या सीटों वाली महत्वाकांक्षाओं की तिलांजलि ये पार्टियां दे पाएंगी? और फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। सवाल ये है कि 2024 तक इस गठबंधन का हश्र क्या होने वाला है। तो अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये सीधे चलते हैं इंडिया में फूट का तथ्यात्मक विश्लेषण। अखिलेश यादव बोले कांग्रेस चालू और धोखेबाज पार्टी है, तो कमलनाथ बोले समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट की बर्बादी है। मेरे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना से समाज का एक्सरे होगा, एक्सरे का दौर पुराना हुआ, अब एमआरआई और सीटी स्कैन का जमाना है। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे देश में जातिगत जनगणना जरूरी है, वोट के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दांव चला है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। अजय राय कहते हैं कि जिसने पिता का सम्मान नहीं किया वो मेरा क्या करेगा, अजय राय या अखिलेश यादव के लिए कहते हैं। रामगोपाल यादव कमलनाथ को छुटभैया नेता बता रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। नीतीश कुमार कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं है, और शिवसेना लिख रही है नीतीश कुमार को संयम बरतने की जरूरत है। एक तरफ चिंता नहीं है, दूसरी तरफ संयम बरतने की जरूरत है। यही है इंडिया में फूट का तथ्यात्मक विश्लेषण आज के कार्यक्रम में। लेकिन अब बड़ा सवाल, और बड़ा सवाल है इंडिया गठबंधन मुंगेरी लाल के सपने जैसा साबित हो रहा है। मुंगेरी लाल की हसीन कहानी आपने पढ़ी होगी, मुंगेरी लाल के सपने की कहानी भी आपने पढ़ी होगी। क्या इंडिया अलायंस की कहानी भी वैसे ही है? आज की चर्चा में उसी की हम बात करेंगे। मेरे साथ एक पैनल मौजूद है। गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है जो कि लेफ्ट के आइडियोलॉग है। मेरे साथ तारिक अहमद लारी है, समाजवादी नेता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तहसीन पूरावाला है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करता हूं। इंडिया अलायंस की फॉर्मेशन हुई थी तो कहा जा रहा था कि इंडिया मुकाबला करेगा एनडीए का, लेकिन कहते हैं कि कोई भी सपना तब तक परवान नहीं चढ़ता जब तक वो अंजाम तक नहीं पहुंचता। अभी तो अंजाम से बहुत दूर थे और एक दूसरे पर शब्दों के बाढ़, अब शब्दों के बाढ़ सब चलने लग गए हैं। अब कमलनाथ लेटेस्ट कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट की बर्बादी है। अमित जी देखिए, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा, आपने क्योंकि बात करी एक्सरे की, एमआरआई स्कैन की, सीटी स्कैन की, तो ये सारे टेस्ट तब होते हैं जब कोई बीमार होता है जी। लेकिन ये जो इंडी अलायंस है, घमंडिया है, ये बीमार नहीं है, राजनीतिक तौर पे एक शव है। शव सांस नहीं ले रहा है, विचारधारा इसमें है नहीं, आपस में लड़ रहे हैं, ये भी हम लोग जानते हैं जी। और आप मुझे बताइए ऐसे अलायंस का क्या अस्तित्व है जिसका कोई कन्वीनर है नहीं, जिसका कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, जिसने अभी तक सीट एडजस्टमेंट जो है वो तय नहीं किया है, जिसकी पहली रैली बता रहे थे कि होगी और उसके बाद रद्द हो गई, और उसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है नहीं जी। और इतना ही कहूंगा, बनाना था लोगो, राहुल गांधी देख रहे हैं पोगो। अरे इसका कुछ हुआ ही नहीं है तो ये जनता की बात कैसे करेगा? दूसरी बात, ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए कपड़े फाड़े जा रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इतनी खींचतान हो चुकी है। आप बताइए, एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कह देना, बड़ा दर्द हुआ जनता को भी कि भाई आप सम्मान अपने साथी का नहीं दे सकते हैं। और राहुल गांधी के लिए जो कहा अमित जी, एक प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा मंद बुद्धि पागल नेता, मंद बुद्धि पागल नेता। आप मुझे बताइए, अगर है कुछ कहा आपने? मैं कह रहा था उन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दिया था, आप आईपी सिंह का जिक्र कर रहे थे। नहीं, मैं इतना ही कहूंगा, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जहां पे पत्ता नहीं हिलता है अखिलेश यादव से पूछे बिना। ये ट्वीट ऐसे ही आ गया था, और ये मानसिकता और सोच तो दिखाता है ना कि राहुल गांधी को मंद बुद्धि पागल नेता बुलाए।
मैं तो ये कहूंगा कि देखिए आप साथ आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये तो बताइए आपका एजेंडा क्या है, इनका गोंद क्या है। इनका गोंद है दो, एक है हिंदू विरोधी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा एक व्यक्ति जिसको आधुनिक युग का राक्षस ही कहेंगे, वो माँ लक्ष्मी की आलोचना करता है, क्या शब्द बोलता है मैं दोहरा नहीं सकता हूँ, और अखिलेश यादव चुप रहते हैं। यू मेडियो, यही काम स्टालिन ने किया, यही काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। और दूसरा गोंद है नरेंद्र मोदी जी से नफरत, नरेंद्र मोदी जी को गाली दो। तो इस तरह का गोंद जो इनको जोड़े है, मैं समझता हूं कि इनकी कुर्सी जाएगी टूट, जनता गई है रूट और आपस में पड़ गई है फूट। जी, क्या माना जाए विवेक श्रीवास्तव, एक सपना आपने देखा, एक सुंदर सपना देखा, लेकिन वो अंजाम तक पहुंचता उससे पहले ही सिर्फ टव्वल हो रहा है, उससे पहले ही एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, उससे पहले ही गठबंधन में दरार तो पहले ही दिख रही थी, अब दिख रहा है कि वो दरार कितनी गहरी होती जा रही है। जी देखिए, मैं इस पे आपको यही बोलना चाहूंगा कि पहली चीज तो यह है जो गठबंधन INDIA का हुआ है, ये केंद्रीय राजनीति के लिए हुआ है और 2024 के लोकसभा इलेक्शन इसका टारगेट है, ये इसके हिसाब से हुआ है और पहले भी होता रहा है, पहले भी मेरी आपसे बात हुई है इस विषय के अंदर। तो ये जो गठबंधन है, राज्यों में कई बार ऐसा होता है, इन घटक दलों में तीसरे मोर्चे में भी ये बात थी कि अपने राज्य में हम बेशक लड़े एक दूसरे से, पहले बंगाल में हम और कांग्रेस आपस में लड़ते थे, केरल में वामपंथी और कांग्रेस आज भी इलेक्शन लड़के आए हैं, अपना अपना, कोई हारा कोई जीता, ये चीज अन्य राज्यों में भी है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के अंदर सब एक हो जाते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे, कि हमको कम्युनल फोर्सेस को अलग रखना है, ये पहली बात है। तो राज्यों के अब आप रुकिए, अब विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, थोड़ी फैक्चुअल बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा, उन्हें बोला मुझे पता होता कि ये गठबंधन जो है वो राज्यों के स्तर पर है नहीं और सिर्फ केंद्र के स्तर पर है, तो मैं कभी इस गठबंधन की बैठक में ही नहीं आता, ये अखिलेश जी ने बोला। उन्होंने यहां तक बोला मैं कांग्रेस वालों का फोन नहीं उठाता अगर मुझे पता होता तो। कंफ्यूजन तो है, जो कहानी कंफ्यूजन से शुरू हुई है वो सोल्यूशन तक कैसे पहुंचेगी, जो कहानी कंफ्यूजन से शुरू हुई है मैं बता, सोल्यूशन तक कैसे पहुंचेगी? नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पांच राज्यों के चुनाव हो जाएंगे, कल मेरी शाम को रात को मैंने शीर्ष नेताओं के से सपा के बात करी और आज भी अभी आपके शो में आने से पहले राजकुमार भाटी जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं सपा के, उनसे मेरी लंबी बातचीत हुई है बोलने से पहले, मैं और सारे फैक्ट चेक करके बता रहा हूं आपको। इलेक्शंस की वेट हो रही है, सभी INDIA के जो घटक दल हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता को फोन करा है, अखिलेश जी को मान मनोबल भी हुआ है और मिसअंडरस्टैंडिंग को कंफ्यूजन है। और विवेक जी कह रहे हैं कि उनकी शीर्ष नेताओं से बात हो गई, अब अखिलेश जी से बड़ा शीर्ष नेता कौन है समाजवादी पार्टी में, मुझे ध्यान में नहीं आता आज की तारीख के अंदर। और कमलनाथ ने इंटरव्यू में न्यूज 18 को मुझको एक इंटरव्यू दिया जिसमें बोला है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट को व्यर्थ करना है, बर्बाद करना है। भाई सबसे पहले बताइए विवेक श्रीवास्तव किस पार्टी के हैं? लेफ्ट के हैं। ये कहां है लेफ्ट, किधर दिखता है लेफ्ट, कहां पे है, किस स्टेट में है, किस तरफ है लेफ्ट, ये है कहां? अगर बंगाल में है तो ये बंगाल के रहने वाले हैं, ये अगर साउथ के हैं तो ये साउथ में किस स्टेट के रहने वाले, कहां के हैं ये विवेक श्रीवास्तव जो राजकुमार भाटी और फलाने और ढिमाका, अरे अखिलेश जी सीधे सीधे बात कर रहे हैं, इतनी धड़ी ना हाकिए विवेक जी, इतना झूठ बोलना अच्छा नहीं है। आप कहीं 3 मिनट 13 में बेमतलब की कहीं ईंट कहीं का रोड़ा ना जोड़िए यहां पे, यहाँ सीधी सी एक पॉइंट है जो अखिलेश जी ने क्लियर किया है, मैं नाम ले रहा कि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है, इन्होंने हमसे INDIA में है या नहीं। विवेक जी अपनी टर्न पे बोलिए, आप यहाँ बीजेपी की बैटिंग मत करिए। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ यार, विवेक भाई आप जबरदस्ती की धड़ी ना हाको यहाँ बैठकर, सर आप चेहरा चमकाने की बात ना करो, प्रैक्टिकल बात करो, पार्टी बीजेपी से मिल गई है आप ये कहना चाहते हैं? जी प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल बात यही है कि इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी अपना निर्णय लेगी, मीटिंग करेगी और सभी लोग उनसे बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। विवेक जी अब तो आप उनको भी नहीं बोलने दे रहे, उनको एक मिनट तो बोलने का मौका देंगे आपको, उनको पे गुस्सा आ गया और आप उनको बोलने भी नहीं देंगे, बोल ना पाएंगे जिंदगी में। तारिक जी आप अपनी बात रखिए,
देखिए मामला यह है कि समाजवादी पार्टी में जब अध्यक्ष जी ने फैसला ले लिया, और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष जी ने तब फैसला लिया था जब ये हुआ कि ये लोग मध्य प्रदेश राजस्थान हर तरफ हम लोगों से अलायंस चाहते हैं, तो अध्यक्ष जी ने उस हिसाब से फैसला किया। इन्होंने धोखा दिया कांग्रेस पार्टी के, जो हम तीन लोगों को माइनस करते हैं गांधी परिवार के, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, इनको जो कहा जाता है वो ये समझते हैं, वही ये सुनते हैं, वही ये देखते हैं, लेकिन जो इनके बाकी जो नेतृत्व है ना वो धोखेबाज है, वो सांप है, आस्तीन के सांप है। ये लोग राहुल गांधी को ही डस रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं कि सोनिया गांधी यूपी में कहीं खड़ी नहीं होंगी। अभी इनके एक कौन से नेता थे जो बोल रहे थे यूपी में, मध्य प्रदेश में समाजवादी कुछ है ही नहीं, यूपी में कौन सा कांग्रेस है भाई? कमल, हमारी मेहरबानी से दो सीटें मिल भी जाती तो वो भी नहीं मिलेगी, अब तो वो भी नहीं मिलेगी। कहा कमलनाथ, मैं तो भूल भी जाता हूँ ऐसे छुटभैया नेताओं का क्या नाम याद रखे हम। अरे कमलनाथ जी फॉर्मर मिनिस्टर है, फॉर्मर सीएम है, कांग्रेस के मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। अच्छा मुझे नहीं मालूम है भाई, मुझे मालूम ही नहीं है, आई डोंट नो। जैसे वो नहीं जानते अखिलेश वखिलेश कर रहे हैं, तो अखिलेश जी का स्टैंडर्ड राहुल गांधी जी का स्टैंडर्ड है, मेरा स्टैंडर्ड और कमलनाथ फमलनाथ का स्टैंडर्ड मेरा स्टैंडर्ड है। लाख वो मुख्यमंत्री हो जाए, वो भी अपने पार्टी के नेता है, मैं भी अपने पार्टी का नेता हूं। ठीक, एक एक का इस्तेमाल करता है ज्यादा नहीं उछलना चाहिए, मुझे लगता है भाषा का, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। महत्वपूर्ण, कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेता है, मैंने बोला वो फॉर्मर मिनिस्टर है, और मुझे लगता नहीं उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको आपका डिसएग्रीमेंट हो सकता है कमलनाथ जी के साथ, आपको उनकी कोई बात बुरी लग सकती है, आपने एक बार बोल दिया सकता है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। वो एक पार्टी के नेता होकर हमारे नेता को बोल सकता है, तो मैं भी एक पार्टी का नेता होकर उनको, आपने एक बार बोल लिया, रिस्पेक्ट चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट देम। नहीं नहीं भाई, आई गेट योर पॉइंट, अब आपने बोल लिया, लेने के लिए आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। देखिए अब आपने एक बार ही बोल लिया, बार बार बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, ठीक है, ओके ओके, आपने एक बार बोल लिया, बार बार नहीं, ओके। तहसीन पूनावाला अमित जी क्या बोले, इस तरह की बातें अगर होगी, देखिए मैं विवेक से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि इंडिया अलायंस जो बनाए ये मूल नेशनल इश्यूज पर बनाए। ये अखिलेश जी अगर उनको लगा कि स्टेट इलेक्शंस के लिए, तो मैं बात मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में ये क्लैरिफिकेशन की गलती हुई है, वो क्लैरिफाई करना चाहिए था उन चीजों को, लेकिन ये एक पार्ट है उस पूरी कहानी का, उस पूरी कहानी क्रम का। इस वक्त अगर हम देखें अमेरिका के अंदर, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में, अगर रिपब्लिकन डिबेट्स चल रहे कि रिपब्लिकन नॉमिनी कौन होगा, विवेक रामास्वामी है, अलग अलग उनके नॉमिनीज है, टेड क्रूज है, जो भी जीतेगा वो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन जो भी जीतेगा रिपब्लिकन पार्टी जो बाइडेन को टेक ऑन करेगा। तो ये तो लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है कि आप अपने अंदर भी लड़े और फिर आकर आप बाहर उसके एक होकर आप फिर बड़े मूल के लिए लड़े, ये तो बेसिक 101 डेमोक्रेसी है। अगर इतनी छोटी सी बात लोकतंत्र के लोगों को समझ में ना आए, उसमें इतना पर्सनल होना है, तो मेरे समझ में आता क्या हम पर्सनल कौन हुआ? तहसीन सॉरी आपको मैं 40 सेकंड बाद इंटरव्यून कर रहा हूं, लेकिन पर्सनल कौन हुआ? पर्सनल कौन हुआ? तहसीन पूनावाला पर्सनल कौन हुआ? क्या बीजेपी पर्सनल हुई या कांग्रेस सपा पर्सनल हुई? पर्सनल कौन हुआ? मैं नहीं, पर्सनल ये हो रहा है कि अगर दो लीडर्स के बीच में या दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई एक नतीजे पर पहुंच रहे तो ठीक है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स हर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहते, उसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर किसी पर इस तरह से आरोप लगाना मुझे लगता है गलत है। क्यों हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, ये क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा है, तोमर जी के बेटे के वीडियो चल रहे हैं 100 करोड़ और 500 करोड़ के, और ये AI वीडियो नहीं है, डीप फेक नहीं है, ये जेन्युइन वीडियो है, वीडियो कॉल के ऊपर कोई वो मुद्दा नहीं उठा रहा, कहां से ये पैसे आ रहे, ना इलेक्शन कमीशन उतारा ना ईडी जा रही है। जी जी, गौरव गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया का रिस्पॉन्ड मस्त है। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपस में विरोध चल सकता है, लेकिन इसका ज्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए, यानी कोई आग में घी ना डाले, आग तो लगी हुई है। देखिए तहसीन प्रवक्ता ना हो के भी कितनी खूबी से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, और मैं तहसीन की ही बात की तारीफ करते हुए कहूंगा बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप अपनी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जब अजय राय कहते हैं जो बाप का नहीं हुआ हमारा क्या होगा अखिलेश यादव के लिए, तो बड़ा दुख होता है।
और वो ये भी दर्शाते हैं कि इनमें कोई समन्वय है नहीं, ये लोग अपने अपने स्वार्थ से आए हैं। इसी तरह से कमलनाथ 13 महीने मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 60 महीने रहे, अब 13 महीने वाला कांग्रेसी कमलनाथ मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहा, वो अखिलेश को कहते हैं अखिलेश वखिलेश को छोड़ो। अमीर जी आप बताइए क्या ये उचित है? अच्छा जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात हो रही है तो ये बताइए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ क्या कह रहे हैं, कपड़े फाड़ो जाके कमलनाथ के, कोई कहता है दिग्विजय के, अब बताइए कपड़े फाड़ने की आवश्यकता? पर वो तो फ्रेंडली बात है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। अमेरिका की डिबेट देख रहे हैं, अमेरिका के लीडर से ये तो सीखो कि वहां कपड़े नहीं फाड़े जाते, ये जो चलन है ये केवल कांग्रेस पार्टी में। और लेफ्ट के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनको भी थोड़ा बता दूं, अमीश जी आपने अखिलेश यादव का बयान सुना, उन्होंने कहा अगर मुझे पता होता कि प्रदेश के चुनावों में जी 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 सुना और बताया ये घमंडिया का जी, तो मैं आता ही नहीं, नहीं वो बता चुके हैं अमीश जी, उसने क्लेरिफिकेशन हो चुका है कि मैं उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनता, और ये एक प्रवक्ता को पार्टी के कोट कर रहे हैं। भगवान ऐसा दोष किसी को ना दे, उसके भी मतलब ये चाहेंगे कार्रवाई हो जाए। दूसरी बात, इन्होंने कहा पहले भी ऐसे गठबंधन बने, बिल्कुल बने, 2014 में बने, 2019 में बने, मुंह की खानी पड़ी, क्या हश्र हुआ, जनता खुद इनको आप याद करिए कांग्रेस पार्टी, मैं वाजपेयी का भी एक कोलिशन था, इंतजार किया आपके यहाँ भी जयललिता थी उस वक्त, आपके यहाँ भी ममता बनर्जी थी, उसके बाद उस समय आपके यहाँ भी फारूक अब्दुल्ला थे, कोलिशन पॉलिटिक्स की डायनामिक्स तो आप भी देख चुके हैं। बात पूरी करना चाहूंगा, वाजपेयी के समय कोलिशन पॉलिटिक्स थी, जयललिता को याद कर लीजिए, गौरव को याद करिए, कोलिशन पॉलिटिक्स फारूक अब्दुल्ला को याद करिए। गौरव भाटिया का रिप्लाई जरूरी हो जाता है, गौरव 30 सेकंड शार्प 30 सेकंड फिनिश योर सेंटेंस। देखिए तीसरा तहसीन ने एक बात करी भ्रष्टाचार की, अरे महादेव महादेव भगवान ईश्वर को हमारे नहीं छोड़ा, और बता रहे हैं कि भूपेश बघेल इनो पी रहे हैं, क्यों? आपने खट्टे डकार सुना था, सट्टे के डकार आ रहे हैं, और सट्टे के डकार ऐसे कि हजारों करोड़ लूट लिया। सोनिया गांधी राहुल गांधी खड़गे जी चुप हैं, भाई क्यों चुप है, एक शब्द तो बोलिए। महादेव ऐप निकाला और जनता की गाड़ी कमाई लूट ली, ये किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? और बिल्कुल सही बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाई कि इस पे खड़गे जी राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते, क्या उनकी तिजोरी भरी है भूपेश बघेल ने? ये बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो गांधी परिवार है। जी मैं रुक करता हूं, मैं रुक करता हूं तहसीन पूनावाला, आई एम कोटिंग कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य प्रमोद कमलनाथ जी ने बोला कि समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट की बर्बादी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला कि हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, यानी कांग्रेस मध्य प्रदेश जीत रही है, भाजपा को हम हरा रहे हैं, अखिलेश हमें ही हराने पर तुले हुए हैं। अब बताइए, मैं इस पर आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं दो चीज कहना चाहता हूँ जो महादेव ऐप पर बार बार कहा जा रहा है। मैं पूरी तरह से गौरव भाई से इत्तेफाक करता हूं, आपने ईडी की इंक्वायरी शुरू की, कीजिए। अगर गौरव भाई आपको या अमीश भाई आपको लगता है कि भूपेश बघेल जो इस महादेव ऐप के मास्टरमाइंड बताए जाते इतने, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, इतने बेवकूफ है कि रायपुर में 2 5-star होटल है, उसी 5-star होटल के बेसमेंट के अंदर भाजपा नेता के गाड़ी के अंदर पैसे भूपेश बघेल लगेंगे ताकि ईडी आके पकड़े, तो मैं क्या कहूँ इसके बारे में? और वो गाड़ी भी भाजपा नेता के नाम पर थी जो पकड़ेगी, जिसके अंदर पैसे थे, तो कीजिए आप ईडी इंक्वायरी। कोई मना कर रहा है ईडी की इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूं उत्तर दे। वही ईडी की इंक्वायरी, गौरव भाई प्लीज, मैं अपने चांस में बोल रहा हूँ, फिर आप बोलिए। वही ईडी की इंक्वायरी मेरे आपसे विनम्र दरख्वास्त है, आप नरेंद्र तोमर जी के बेटे पे कीजिए ना, वो तो वीडियो कैमरा पे कह रहे हैं 100 करोड़ 500 करोड़ अकाउंट दे रहे, आप कीजिए ना, आप कौन कह रहा बघेल जी पे मत कीजिए, आप उनके भी कीजिए ना, वहां पर आप नहीं बोल। मेरे सवाल का जवाब है दूसरे, अब जो आपने कहा बिल्कुल सही, मैं आपसे पूरी तरह से अमीश भाई अग्री करता हूं, इंडिया अलायंस को अपना कम्युनिकेशन थोड़ा सा बेटर करना चाहिए। मुझे ये लगता है उनको कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल या इन जैसे नेताओं की जरूरत है जो कम्युनिकेशन में बेटर हो, प्रियंका चतुर्वेदी ऐसे नेता जो कम्युनिकेशन में थोड़ा बेटर हो, मैं इसमें अग्री करता हूं, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहिए इंडिया अलायंस को, क्योंकि जब से हाइट की मीटिंग है इंडिया अलायंस का मोमेंटम पकड़ा नहीं कम्युनिकेशन में लेकर, लेकिन इसका ये अर्थ ना निकले कि इंडिया अलायंस एक नहीं है। मैं अमीश जी आपको बता सकता हूं 90% प्रॉब्लम सॉल्व में 3 या 4 राज्यों में प्रॉब्लम या
सीट एडजस्टमेंट होनी बाकी है, वो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वो छोटा राज्य है। मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें आती हैं ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो छोटा राज्य है। बिल्कुल आपको जी, ये सब बड़े राज्य है। एक सेकंड, तारिक अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पूछता हूँ तारिक अहमद, कमलनाथ जी के लिए आपने उनको उनके डबल नाम आपने करा, मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ। क्या आपको लगता है कि अभी भी इंडिया अलायंस को लेकर एक लॉबी सपना देख रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के नेताओं को शायद हकीकत का अंदाजा हो गया है कि सिचुएशन उतनी आराम से नहीं ठीक हो पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि जो इंडिया अलायंस जो नाम दिया गया था, ये पहले जो गठबंधन हुआ था ये स्टेट और सेंटर सबको लेकर हुआ था। ये बात क्लियर कट उन्होंने अखिलेश जी से कही थी। ये मिसकम्युनिकेशन कोई नहीं है, और आप चाहे जितना उस पर मलाई की परत चढ़ाओ, चाहे तो सोने का वरक चढ़ाओ, चाहे चांदी का वरक चढ़ाओ, ये जनता भी समझती और तारिक अहमद लारी पे वरक का कोई असर नहीं पड़ता है। तारिक अहमद लारी बहुत अच्छी तरह जानता है कि वहाँ पे स्टेट और लोकसभा दोनों चुनाव के लिए हुआ था। आपके हाथ से 80 लोकसभा सीटें यूपी की गई हैं, आपके हाथ से 40 सीटें बिहार की गई हैं, आपके हाथ से 42 सीटें बंगाल की गई हैं। टोटल कितनी हो गई? 162, 500 कुछ में से 162 सीटें पे आप कहीं खड़े ही नहीं हो, आपका अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का। बगैर हमारे हम कहीं है नहीं, हम कहीं नहीं देंगे इनको। भाई इन्हीं के जो नेता जिनका नाम आप ले रहे हैं कि मैंने डबल नाम लिया, अब मैं डबल नाम नहीं लेता, बस डबल नाम समझ लीजिए। वो उन्होंने कहा कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, तो आपकी हैसियत यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल में क्या है? कुछ नहीं आपकी हैसियत, आप शून्य हो, नील बटा सन्नाटा। ना बंगाल में आप हो, ना क्या नाम है बिहार में आप हो, और ना आप यूपी में हो। आप कहाँ खड़े हो? आप कहाँ खड़े हो? मुझे तो दिखता है साफ, आप लोग खुद बीजेपी से मिले हुए हो। कौन बीजेपी से मिला हुआ है? सीधे सीधे बीजेपी से मिले हुए हो आप लोग। ना कांग्रेस, ये कांग्रेस के जो नेता है ये सीधे नाक नहीं पकड़ते हैं, ये नाक उल्टी करके पकड़ रहे हैं। कभी मनीष शंकर अय्यर को देखिए तो कुछ बोल देते हैं, कभी किसी को देखिए तो कुछ बोल देते हैं, कभी किसी को देखिए तो कुछ बोल देते हैं। और मदद करते हैं इनडायरेक्टली बीजेपी की, इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद करते हैं आप लोग, हमेशा से इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद करते हैं। ओके ओके, तहसील पूनावाला गांधी परिवार से नफरत है, ये समाजवादी पार्टी के नेता है भाई, वो बात अपनी रख रहे हैं। अब देखिए, अभी तक ये आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी किसी की मदद करती है, AIIMIM कांग्रेस की बीजेपी की मदद करती है, अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस ही बीजेपी की असल में मदद करती है। अब बताइए तहसीन पूनावाला, नहीं अब आपको उनकी बात सूट नहीं करे, डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता ना। ओके, मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, अगर पॉलिटिकल चल रहा है तो अच्छी एंटरटेनमेंट है, अच्छी एंटरटेनमेंट करते रहिए। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है कि सारी स्टेटमेंट्स के बाद अखिलेश जी ने स्वयं कहा कि सारे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उनको बैठकर सुलझाई जाएगी। अखिलेश जी ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें थी जहां पर कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए था, मैं उससे अग्री करता हूं जी। लेकिन अखिलेश जी को यह मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस व्यक्ति को पता है शो के ऊपर, मतलब अभी एक एक लॉजिक को च्युइंगम को भी एक हद तक ही खींच सकते हैं ना, रबर बैंड को। अभी आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो कीजिए, फिर क्या लॉजिक? ठीक है, ओके, तारिक अहमद अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कोई। अरे एक रबर बैंड को भी एक हद ही है ना खींचने की, मतलब आपने कुछ कह दिया आपने, तो ये तो नहीं है कि रबर बैंड आप उल्टा खींच रहे हैं, रबर बैंड ये तो नहीं है तहसीन पूनावाला जी, आप उल्टा खींच रहे हैं कि गठबंधन नहीं खींच पा रहा उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस कमजोर है, बिल्कुल मानता हूं। इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है, बिल्कुल कमजोर है, और क्योंकि वो कमजोर है गठबंधन हो रहे हैं, क्योंकि बाकी जगहों पर गठबंधन हो रहे हैं, और लेकिन 160 सीट्स में कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला है, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता फैक्ट। दूसरी चीज, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रैली कर सकती है, अखिलेश यादव जी जितनी बड़ी रैली करें उतनी बड़ी, लेकिन अखिलेश यादव जी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल में नहीं कर पाएंगे। इसलिए कांग्रेस एक नेशनल पार्टी, समाजवादी पार्टी ने, यह हकीकत हमें जानना पड़ेगा। इस तरह की कॉमेडी करें इतने इंपॉर्टेंट शो पर, और रबर बैंड किंगडम की तरह विषय को रख रहे हैं, इस तरह से कोई भी नेता कर, मुझे अखिलेश जी को यह पता नहीं था, वो मैं कर सकता हूँ दावा, गौरव जी कर सकते, मोदी जी को यह पता नहीं था, मैं कह सकता हूँ राहुल जी को पता
पता चलता है किस तरह की बातें हो रही है शो के ऊपर। ऐसा हमें करना चाहिए क्या? हम सपोर्टर एक अच्छी रीत से बात करें एक दूसरे से, ये क्या बात है? अखिलेश जी को पता नहीं था कि अखिलेश जी मतलब किंडर गार्डन में है? कौन सी बात का आप आते, आप किसका अपमान कर रहे हो? आप कमलनाथ जी का कर रहे हो? उन्होंने उस शब्द को वापस ले लिया, लेकिन जो उन्होंने कमलनाथ के लिए डबल नाम यूज करा उस शब्द को वापस ले लिया, उस पे अपोलोजाइज करा, उस पे अपोलोजाइज करा इसी कार्यक्रम के अंदर। उन्होंने बोला कि मेरा उनका सर, हम चाहे कॉमेडी करें, चाहे जोकर कहें, चाहे कपिल शर्मा शो के मेन किरदार हमको कहिए, लेकिन सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते हैं। उतनी कल कहीं नहीं है जी का बयान है। अरे तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम्हारे घर का स्टैंडर्ड है, तुम्हारा खानदान का स्टैंडर्ड है, दो टके के आदमी हो तुम, ठीक है? नहीं तो ये जब स्टैंडर्ड आएंगे तो मैं इनकी भकिया उधड़ कर रख दूंगा। शहजाद पूना वाला बैठे हैं बीजेपी में और ये बैठे हैं कांग्रेस में, दोनों कहां कहां बैठे दिख रहा है मुझे। स्टैंडर्ड सीखना है तो गौरव भाटिया से सीखो, स्टैंडर्ड सीखना है तो गौरव भाटिया से सीखो कैसे बात की जाती है, तमीज से बात करना सीखो, तमीज नाम की कमीज पहन के बैठो। पहली बात यह है तकलीफ हो रही है मेरा ये बयान दिखाने पे। कल ही अखिलेश जी ने कहा है कि कोई गठबंधन नहीं है, ये पता नहीं कहां से कह रहे हैं अखिलेश जी की बातों को, हमसे ज्यादा अखिलेश जी की बातों को तो ये जानते हैं। आप भी तो कह रहे हो ना कि अखिलेश जी ने कहा गठबंधन मौजूद है, कहां मौजूद है गठबंधन? गठबंधन कहां मौजूद है? नहीं ना, कहां मौजूद है? कौन सा बयान है अखिलेश जी का कि इलेक्शन के बाद हम डिसाइड करेंगे? उन्होंने कहा है कोई गठबंधन नहीं है, ये धोखेबाज मक्का रैयार लोग हैं, इन्होंने धोखा दिया हमको, साफ बोला उन्होंने। पावर गेम के लिए आप पहुंच गए कि हम आपका वो करेंगे, क्या नाम है, हम जातिगत जनगणना करेंगे? अरे आप तो ब्राह्मणवादी पार्टी थे, आप कहां से जाति के फेर में आ गए? आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब मैं ट्वीट देख रहा हूं मोटरोला फोन से। की ताकत और वॉर प्लान को समझने में बुरी तरह से फेल हुए हैं। 27 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के इजरायली हमले में दावा किया जा रहा था कि इजरायली सेना एक हफ्ते के अंदर उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों का सफाया कर देगी, लेकिन अभी तक इजरायली सेना सिर्फ 600 के करीब सुरंगों को तबाह कर पाई है। इधर हमास ने फिर दावा किया है कि उसके लड़ाके इजरायली सेना को उत्तरी गाजा में हरा देंगे। आखिर हमास इतने बड़े दावे कैसे कर रहा है? कुछ खबरों में यहां तक दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना की वर्दी पहनकर हमले कर रहे हैं। मार दिए हमास के 8,000 लड़ाके। इजरायल ने दावा किया कि हमास ने गाजा में कंट्रोल खो दिया है। रक्षा मंत्री यो गैलेंट का दावा है कि हमास के लड़ाके साउथ गाजा की ओर भाग रहे हैं। इस बीच गाजा के ज्यादातर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में हालात बदतर होते जा रहे हैं। अल शिफा हॉस्पिटल के आसपास भीषण जंग चल रही है। कुछ हॉस्पिटल और मस्जिदों के बेसमेंट और सुरंगों में हमास के ऐसे ऐसे हथियार और वॉर प्लान मिले हैं जिसे देखकर इजरायली सेना हैरान रह गई। हमास इज यूजिंग हॉस्पिटल्स लाइक वी शो द एविडेंस इन शिफा हॉस्पिटल, इन अदर हॉस्पिटल वी आर नाउ सीइंग इट इन लाइव इन रंतीसी हॉस्पिटल, ए ऑपरेशन स्टिल कंडक्टिंग राइट नाउ, लुक एट व्हाट हमास इज होल्डिंग इनसाइड द हॉस्पिटल। गाजा में जारी इजरायली कार्रवाई से भीषण तबाही और बर्बादी हो रही है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने दावा किया कि 179 शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया। इनमें आईसीयू में मरने वाले शिशुओं और दूसरे तरह के रोगियों के शव भी शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि पूरे परिसर में शव बिखरे हुए थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 36 हेल्थ फैसिलिटीज जिसमें 22 हॉस्पिटल शामिल हैं, कुछ जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। बड़े हॉस्पिटल अल शिफा, अल नासिर हॉस्पिटल, रंतीसी हॉस्पिटल,
अल कुद्स हॉस्पिटल अल अहली हॉस्पिटल में पावर सप्लाई नहीं होने से मरीजों के इलाज में दिक्कत हो रही है। इजरायली सेना इन हॉस्पिटल के नीचे बने हमास के कमांड सेंटर्स को निशाना बना रही है। सेना का दावा है कि हमास ने बच्चों के रंतीसी अस्पताल के नीचे अपने कमांड सेंटर में ही इजरायली बंधकों को कैद कर रखा था। सेना ने जब इस हॉस्पिटल पर कब्जा कर सर्च ऑपरेशन चलाया तो यहाँ की सुरंग में कुर्सी, रस्सी, हथियार, मोटरसाइकिल, गार्ड्स के लिए ड्यूटी चार्ट जैसे कई सामान बरामद हुए। इसके अलावा यहां मेक शिफ्ट टॉयलेट, किचन और वेंटिलेशन पाइप भी मौजूद थे। सेना ने बताया कि हमास की सुरंगों के दरवाजे बुलेट प्रूफ हैं और ये सुरंग अस्पताल के नीचे मौजूद हैं। मार दिए हमास के 8000 लड़ाके। हमास की अल कसम ब्रिगेड के ये लड़ाके आरपीजी थर्मोबैरिक ग्रेनेड रॉकेट से इजरायली सेना पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं। इजरायली टैंकों पर महज 100 से 150 मीटर दूरी से एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हमास की अल कसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हथियारों से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। अरब देशों की गद्दारी, हार रहा हमास। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने दावा किया है कि इजरायली सेना के लिए गाजा युद्ध विनाशकारी साबित होने जा रहा है। हिजबुल्ला के 65,000 से ज्यादा लड़ाके हमास के 45,000 लड़ाकों के साथ इजरायली सेना पर दूसरे राउंड का विनाशकारी हमला करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने भी माना है कि हिजबुल्ला के रॉकेट और मिसाइल ताकत इजरायल के लिए विनाशकारी साबित होगी। हालांकि इजरायली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उत्तरी गाजा में 10 घंटे की भीषण जंग में पिछले 24 घंटे के अंदर हमास के बहुत बड़े गढ़ पर कब्जा कर लिया है। मार दिए हमास के 8000 लड़ाके। कुल मिलाकर इजरायल हमास को बुरी तरह से रौंद रहा है और हमास अब गाजा में अपनी मौत का तमाशा देखने को मजबूर हो गया है। पिछले 24 घंटे में गाजा युद्ध में कुछ ऐसे हालात दिखे हैं जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि हमास जंग बुरी तरह से हार रहा है। मिडिल ईस्ट की मीडिया तो यहां तक दावे कर रही है कि अगर अभी भी अरब देश मिलकर हमास का साथ दे दे तो हमास जंग जीत सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन दावों को रौंदते हुए इजरायली सेना गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर चुकी है। हमास की संसद पर इजरायल का कब्जा। अगर अभी भी अरब देश जंग में हमास का साथ सही तरीके से दे तो हमास इजरायल को गाजा पट्टी में कड़ी टक्कर दे सकता है। 1 महीने से ज्यादा की सीधी जंग में इजरायल के 46 से ज्यादा सैनिक और अफसरों को हमास के लड़ाके मार चुके हैं। लेकिन अब हमास के लड़ाकों को इजरायली सेना बुरी तरह से मार रही है। तस्वीरों के जरिए इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के संसद पर कब्जा कर लिया है जिसमें कभी हमास के चीफ इस्माइल हानिया समेत टॉप के हमास नेता बैठा करते थे। हम आपको इस खबर की पूरी डिटेल आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इस वक्त अल शिफा हॉस्पिटल में इजरायली सेना का ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है। मार दिए हमास के 8000 लड़ाके। इसराइल ने दावा किया है कि उसने अब तक हमास के 8000 से ज्यादा लड़ाकों को मार डाला है जबकि उत्तरी गाजा में तबाह इमारतों की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है। दावा तो यहां तक किया गया है कि गाजा पट्टी में 1,00,000 इमारतें इसराइल की आईडीएफ के टारगेट पर हैं। आईडीएफ के ऑपरेशन की ताजा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को कितनी बुरी तरह से रौंद डाला है। कब्रिस्तान जैसा दिख रहा है उत्तरी गाजा। इजरायल के भीषण हमलों की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि इजरायल क्यों डंके की चोट पर हमास की हार और इजरायल की जीत का ऐलान कर रहा है। हमास की संसद 7 अक्टूबर से पहले।
हमास की संसद के इस पहली तस्वीर को गौर से देख लीजिए। हमास की संसद में हमास के टॉप के नेता और समर्थक बैठे हुए हैं। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि हमास के इस संसद में हमास के राजनीतिक विंग के चीफ इस्माइल हानिया टॉप नेताओं के साथ बैठे हुए हैं। हमास की संसद में इजरायली सेना। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। हमास की संसद में जिस तरह हमास चीफ इस्माइल हानिया बैठता था, उस जगह पर इजरायली सेना के कमांडर और सैनिक मौजूद हैं। इजरायली झंडे के साथ हमास की संसद में इजरायली सेना जीत का जश्न मना रही है। इस तस्वीर के जरिए इजरायली सेना दुनिया को दिखा रही है कि गाजा में इजरायली सेना जीत गई है। इन दोनों तस्वीरों को साथ साथ देखने से साफ संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं हमास का कंट्रोल गाजा में कमजोर पड़ रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने 13 नवंबर 2023 को एक ऐतिहासिक तस्वीर पोस्ट की है। इस फोटो में गाजा में हमास संसद भवन के अंदर इजरायल का झंडा दिखाया गया है। फोटो में सैनिकों की टीम को हमास के संसद भवन में गर्व से इजरायली झंडे लहराते हुए देखा जा सकता है। האכזרית של החמאס. הרמטכ"ל וראש השב"כ נפגשו עם אורי ומשפחתה במפגש מרגש מאוד. החזרנו את אורי הביתה. חמאס מפעיל טרור פסיכולוגי נגדנו. הוא רוצה שנפיץ אותו, הוא רוצה להכאיב לנו. דווקא בגלל זה... ערב דשו כגדרי, הר רע חמאס. 27 देशों से बनी अरब लीग मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। जातिगत जनगणना की जब बात करी राहुल गांधी ने कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो अखिलेश यादव ने कहा कि वोट के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दांव चलाया। यह कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, यह कहानी सिर्फ राजस्थान की नहीं है, यह जातिगत जनगणना जो कांग्रेस का स्टैंड है उस पर भी अखिलेश यादव ने बोला कांग्रेस ये सब कुछ वोट के लिए कर रही है और कुछ नहीं है। अमित जी, जो अब तक चर्चा हुई मैं उस पर भी एक दो टिप्पणी करना चाहूंगा और तथ्यों के साथ करना चाहूंगा। 5 नवंबर 2023 अभी कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इसके चक्कर में ना आना। अब अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है तो वो गठबंधन में साथ कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे, केवल सत्ता का लालच है। दूसरी बात यह भी जानना बड़ा आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव पूरा प्रचार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल भी पूरा प्रचार कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कैसा घमंडिया गठबंधन है, इसको ठगबंधन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना प्रचार करने क्यों गए वहां पे? और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा अमित जी? उन्होंने कहा कि देखो गारंटी केवल और मेरी होती है, मेरी गारंटी को चुरा लिया, कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है। अब आप मुझे बताइए कोई इन लोगों की तालमेल है? नहीं है। तीसरी बड़ी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, आप बात करते हैं जातिगत जनगणना की। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। वो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, उनको गाली किसने दी? कांग्रेस पार्टी के नेता देते हैं, सपा के नेता देते हैं। सबसे ज्यादा मंत्री 28 मंत्री ओबीसी समाज से हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। अब जो बात आपने उठाई कांग्रेस कितनी बड़ी कपटी है, यही बात अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। जब सत्ता में थे 10 साल यूपीए की सरकार रही, 55 साल इनकी सरकार रही, आजादी की बात कर रहे हैं, तब जातिगत जनगणना नहीं याद आई इनको? गौरव, आज आपको अखिलेश के बयान सूट कर रहे हैं क्या? आज आपको और आपके दल को अखिलेश यादव के बयान सूट कर रहे हैं? सुनिए अमीर देवगन जी, सुनिए जी, हमारी जांघों में, हमारी टांगों में बहुत दम है। जनता हमें दौड़ाती है और हम दौड़ते हैं और जीतते हैं। धावक नंबर वन, हमें किसी की बैसाखी नहीं चाहिए। लेकिन यह पूछा जाएगा 1951 के बाद कास्ट सर्वे कराया क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने? यह पूछा जाएगा। आप बताइए कि राजीव गांधी ने क्यों मंडल कमीशन को अपोज किया? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? सीताराम केसरी ओबीसी लीडर थे, उनकी धोती कैसे खोल दी थी? क्या यह पूछा नहीं जाएगा?
ओके विवेक 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 जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और इंडिया अलायंस की बाकी दल भी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए मैं सीधी बात बोलता हूं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट के लिए कांग्रेस जातिगत जनगणना कर रही है और एक्सरे का ये दौर पुराना है, पहले कह अब एमआरआई और सीटी स्कैन का जमाना है ये कहा जा रहा है। वो ठीक है, बयानबाजी हुई है, बयानबाजी हुई है, गर्मा गर्मी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी माननीय अखिलेश जी ने कहा है चुनाव के बाद बैठेंगे, मीटिंग होगी, निर्णय होगा और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ INDIA ये घटक चलेगा आगे। कोलिशन पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है, इनकी जब कोलिशन थी सत्ता में वाजपेयी की तब भी जयलिता जो किया था सबको मालूम है, यही ममता इनके साथ आई थी, यही फारूक अब्दुल्ला थे, तो मुझे कोलिशन पॉलिटिक्स मत सिखाओ, कोलिशन पॉलिटिक्स अपने तरीके से चलती है, राज्यों में बेशक लड़ेंगे, केंद्र में आपको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे और आप देखेंगे इस चीज को। जातिगत जनगणना का जहां तक सवाल है, आपकी मंशा है RSS की, संघ परिवार की और BJP की एज अ प्रिंसिपल रिजर्वेशन को हटाया जाए, लेकिन अब BJP पर कसीदे आप लगातार पढ़ रहे हैं जातिगत जनगणना पर, अखिलेश यादव जी ने कहा कि वोट के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का दाव चला है, क्या कहना चाहते हैं आप? कांग्रेस ने सब कुछ वोट के लिए कर रही है। अखिलेश जी का एक आउट, मैं आपको देखिए, जब एक रिलेशनशिप थोड़ी सी खराब हो, थोड़ी सी गर्म हो, थोड़ी सी उसमें कटुता हो जो टेम्पररी है, तो बयानबाजी जरूर होती है, ये टेम्पररी फेज है, इलेक्शन खत्म होने दीजिए। अखिलेश जी को, अखिलेश जी को गुस्सा था, नीतीश कुमार को क्या गुस्सा था? उन्होंने बोला कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं है, नीतीश कुमार को क्यों गुस्सा था? अखिलेश यादव को गुस्सा था, तारिक अहमद को गुस्सा है, नीतीश कुमार को क्या गुस्सा था? उन्होंने बोला कि कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं है। मैंने कभी नहीं, क्यों बोला नीतीश कुमार? मैंने कभी नहीं कहा कि अखिलेश जी का गुस्सा नाजायज है या कांग्रेस पार्टी का, तो ये नहीं होता, ये नाराजगियां होती हैं, हर परिवार में होती है, भाइयों में होती है। अभी आपने बोला, अभी आप कुछ और कहानी सुना रहे हैं, अभी आपने बोला अखिलेश जी को तो गुस्सा है, टेम्परेरी गुस्सा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, अब आप बताइए क्यों कहा शिवसेना ने? देखिए मैंने आपको सीधी बात बता दी है और कल ये लहरी भी यही कह रहे थे अखिलेश जी का। विवेक जी, विवेक जी, नीतीश कुमार को शिवसेना ने कहा कि नीतीश कुमार को संयम बरतने की जरूरत है, नीतीश कुमार को शिवसेना ने कहा कि उनको संयम बरतने की जरूरत है, बताइए। और तो और आपकी अपनी पार्टी डी राजा जो उनके वरिष्ठ, आपके वरिष्ठतम नेता है, उन्होंने बोला कि अगर राजस्थान में गठबंधन नहीं हुआ तो केंद्र में भी गठबंधन नहीं होगा इंडिया अलायंस का। कोई डी राजा भी गलत है, वो भी गुस्से में है, सब गुस्से में चल रहे हैं। देखिए राज्य के चुनावों को समाप्त होने दीजिए, केंद्र में सीटों का एडजस्टमेंट जरूर होगा, अभी भी मैं आपको बता देता हूं बातचीत रेगुलर आपस में चल रही है, ठीक है? गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, और जब ये वो कह रहे हैं कि अभी चाहे अभी दरार पड़ी हो लेकिन अब डाइवोर्स नहीं होगा, यानी तलाक नहीं होगा, निकाह पक्का होगा आगे जाकर पर। 30 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल पे भी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कबूल है, कबूल है, कबूल है तो नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे तो तलाक 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 ही दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं इनको सिर्फ केवल इतना बता दूं, पश्चिम बंगाल याद करिए, आपको मालूम है लेफ्ट ने वहां पे ऑमलेट की दुकान लगाई है, अंडा आया था, अंडा कैसे आया था, जाके मिल बैठे थे कांग्रेस पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में और जनता ने सीटें ही नहीं दी, बिचारों का अंडा आया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जहां विचारधारा नहीं होती, तालमेल डिबेट करना चाहते हैं कि तालमेल होगा ही नहीं या तालमेल होने के बाद सीट नहीं आएगी, पहले तो आप उस पर क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। शांत भाई साहब, आप क्लियर ही नहीं है, शांत, आप पहले ये तो बता दीजिए ना, तो आपके हिसाब से तालमेल तो हो ही जाएगा, ये तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है ये बात। अच्छा गौरव को 30 सेकंड, गौरव को अभी की डिबेट में आते हैं, अब आप गुस्से में ना आइए भाई, आप गुस्से में मत आइए, आप टैश में ना आइए, नहीं नहीं भाई गुस्से में नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये सबके बीच में ऐसे कूद कूद के बोलते हैं, लगता है कि आधुनिक राजनीति के हिटलर आ गए हैं। भाई शांत हो जाइए, राजनीतिक हैसियत ही नहीं है आपकी और आप बीच में कूद रहे। अमित जी एक बात और करता हूं, देखिए कांग्रेस पार्टी को ध्यान में रखते हुए ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। 2019 के चुनाव में केवल एक प्रदेश ऐसा था पूरे देश में, यूनियन टेरिटरी मिला दीजिए, जहां डबल डिजिट की सीट आई, 18 प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऐसी थी जहां अंडा मिला कांग्रेस पार्टी को।
और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश से 80 सीटें एक सीट आई, महाराष्ट्र में 48 सीटें आई एक सीट, बिहार में वेस्ट बंगाल में 42 सीटें आई दो, और बिहार में 40 सीटों में आई एक, मतलब 210 सीटों में चार सीटें आई। अब आप मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हैसियत क्या मानी जाएगी? कांग्रेस पार्टी भीख का कटोरा लेके हर क्षेत्रीय दल के पास जाती है और सीटें मांगती है और ठगती है उनको, और इसीलिए विश्वास की कमी पाई जा रही है। आप बार बार संयम रखने की बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को शिवसेना कह रही है कि आपको संयम बरतने की जरूरत है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस को गठबंधन की चिंता नहीं है। इट इज नॉट ओनली अखिलेश यादव, इट इज नीतीश कुमार ऑल्सो, एंड देर आर नॉट ओनली स्मॉल इश्यूज बिग इश्यूज। जो जिस चीज पर रोशनी नहीं प्रकाश हो रही वो ये है, वेस्ट बंगाल में मान लो टीएमसी जीतती है और लेफ्ट और कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं आती, वो हो गए तो मूल एंटी बीजेपी है ना अमीश भाई। केरल में देख लो, लेफ्ट और कांग्रेस लड़ेगी केरल के अंदर, लेकिन लेकिन अगर गठबंधन नहीं भी करे लोकसभा के अंदर, तब भी या तो लेफ्ट को सीटें आएगी, कांग्रेस को तो मूल बीजेपी की आएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पंजाब में गठबंधन नहीं होगा, तब भी बीजेपी का वहां पे कोई चांस नहीं है। उत्तर प्रदेश एक प्रॉब्लमेटिक, प्लीज मेरी बात समाप्त हो, लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश में मानता हूं, उत्तर प्रदेश छोड़ते बाकी सब जगहों पे भाजपा का कोई वहां पे चांस है ही नहीं सीटें आने का, तो वहां पे होने दीजिए, क्योंकि अगर ऑपोजिशन स्पेस अब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, तो एक मिनट अभी जी आपने काउंटर बात है अब आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आपने जो आंकड़ा दिया, व्यूअर्स आप भी इसको नोट करिए, तहसीन पूरा वाले ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने बोला देखिए बंगाल के अंदर मूलतः तो बीजेपी के विरोध में ही सीटें आएंगी, पिछली बारी भी बीजेपी और ममता बनर्जी की वहां लड़ाई हुई थी, बीजेपी की 18 आई, 22 ममता बनर्जी की आई, इस बारी भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे, केरल में बीजेपी के पास क्या है? कुछ नहीं है। पंजाब में बीजेपी के पास क्या है? एक दो या तीन सीट है, इससे ज्यादा वहां की कहानी नहीं है। दिल्ली में बीजेपी के पास 7 है, वहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। सवाल तो वही है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? समाजवादी पार्टी और बीएसपी का लास्ट टाइम अलायंस था, इस बार बीएसपी तो इंडिया का गठबंधन का पार्ट भी नहीं है। तो आप अभी आप तारिक अहमद लारी पर आप बहुत नाराज हो रहे थे, आपने बोला देखिए ये, आपने काफी कुछ बोला, आपने बोला वो जोकर हैं, उन्होंने इस तरह की बात को बोली, आपने सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपने बोला वो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, वो क्यों एंटरटेनमेंट करते हैं, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की मेरे भाई के बारे में, मैंने नहीं किया, उसके लिए मैंने रोका, लेकिन अब आप मुझे बताइए पॉलिटिकली, आंसर इट वेरी वेरी पॉलिटिकली, क्या बदल जाएगा 2019 और 2024 के अंदर? बड़ी खाब लगा के ये गठबंधन बना लिया, बंगाल के अंदर बीजेपी की जो स्थिति पहले थी वो आज भी रहेगी, बदलेगा क्या? केरल में तो बीजेपी की स्थिति अब पहले थी वो आज भी रहेगी, बदलेगा क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूं, बदलेगा ये कि 2024-2019 में जो हिंदी हार्टलैंड 160 सीटों में से कांग्रेस को केवल 9 सीटें आई थी पिछली बार, इस बार कांग्रेस की सीटों में इजाफा होगा, पहली बार, दूसरी बार बीजेपी का माइनस होगा, कैसे इजाफा होगा? अंदर मैं आपको बता दूं, अलायंस किसके साथ है? अलायंस हो या ना हो, उत्तर प्रदेश छोड़ते बाकी इंडिया आउटलैंड में कांग्रेस गेन करेगी, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सीटें घटेगी और बाकी, ये आपका अनुमान है, मैं कह रहा हूँ आप अगर आप अर्थमेटिक की निगाह से बैठेंगे, आप कह रहे हैं अलायंस हो ना हो, बात को समाप्त होने दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके तहसीन, मैं ये बात को कंसीड करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक स्ट्रैटेजी लाना जरूरी है, इस बात को मैं पूरी तरह से कंसीड करता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश छोड़ते बाकी तीनों सूबों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी को वहां पर कोई चांस नहीं, जो गौरव भाई के शब्द है अंडा, बीजेपी को अंडा मिल रहा है, वहां पर कुछ नहीं मिल रही, चाहे वेस्ट बंगाल हो, केरल हो, पंजाब हो, वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है। आपका देखिए अब यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर टाइम, आपका आंकलन है कि बीजेपी की हिंदी पट्टी के अंदर सीटें जो है वो कम हो जाएंगी, बीजेपी की सीटें कम होगी, और कांग्रेस का किसी के साथ अलायंस हो ना हो लेकिन बीजेपी की सीटें कम हो जाएगी, ये आपका एक आंकलन है, आपका एक एनालिसिस है, लेकिन धरातल पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, ना तो कोई ओपिनियन पोल ऐसा दिखा रहा है, ना ही कांग्रेस का कोई ऐसा स्ट्रांग गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है, दोनों के साथ गठबंधन नहीं है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का सिर्फ यूपी में वोट नहीं है, एमपी में भी वोट है, राजस्थान में भी वोट है, मानना पड़ेगा ना इस बात को,
बात सिर्फ कहानी सिर्फ यह है कि यह आपकी सिर्फ दिमाग की सोच है कि 160 सीटें हैं तो वहां पर बीजेपी का नंबर कम हो जाएगा और दूसरी जगह ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं तारिक अहमद लारी आपके पास आता हूं, लास्ट दो मिनट है इस चर्चा के अंदर। तारिक अहमद लारी, पॉइंट बहुत सीधा है, क्या आपको लगता है कि जो कहानी बताई जा रही है कहानी एग्जैक्टली वैसी होगी? 40 सेकेंड तारिक अहमद। देखिए, बिजली के खाब में छीछड़े नजर आ रहे हैं, मुझे उस डिटेल में नहीं जाना है। दूसरा, आपने कबूल है और गौरव ने तलाक है कह दिया। अरे मेरे भाइयों, अभी रिश्ता तो पक्का होने दीजिए, अभी रिश्ता पक्का होने ही पहले ही आप कबूल है करवा दे रहे हो और गौरव भाई पहले ही तलाक करवा दे रहे हैं। ऐसा रिश्ता तो मैंने देखा ही नहीं कि शादी लगने से पहले ही कबूल भी हो गई और तलाक भी हो गया। ताज्जुब मुझे ये हो रहा है। दूसरा, साफ साफ आपको बता दे रहे हैं, माइनसिंग कांग्रेस कोई गठबंधन बनने जा रहा है, उसका मैं आपको बता रहा हूं साफ लफ्जों में। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और काफी जगहों पे बात। गौरव भाटिया, ये बड़ी बात है, हमेशा माइनस कांग्रेस एक गठबंधन बनने जा रहा है। ओके, माइनस कांग्रेस एक गठबंधन जा रहा है और बार बार लगातार इसकी बात पिछले 15 दिनों से हो रही है, क्या कांग्रेस को गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा इस पूरे घटनाक्रम? मैं आपसे चैलेंज करता हूं आपको इस शो पे। जी देखिए, एक ही सेकंड लूंगा फिर आप जवाब दीजिए। अगर ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये जनाब जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, अगर अगले इसका डेडलाइन बता दीजिए, 15 दिन 20 दिन बिना कांग्रेस के अगर नहीं बना, आप और मैं इस शो पे वापस से जनाब आएंगे और माफी मांगेंगे सार्वजनिक? देखिए, शो पर आके कुछ भी बोलना, अगर कुछ लोगों का मुंह इतना तेज होता, अगर कुछ पांडियों की बोलने की बात कर रहे हो, लेकिन खाली मुंह बनाने के लिए दौड़ा मिल जाएगी, बीजेपी इतनी सीट हार जाएगी, उसका दूध फलाने इतनी सीट हार जाएगी, आप गारंटी भरो, करते जाओ। देखिए अमीर जी, ऐसा है, गजब बेइज्जती। जो कांग्रेस पार्टी किसी जमाने में सीटें बांटती थी, आज समाजवादी पार्टी के नेता आके उसको आपके शो पे खुद ही बता रहे हैं कि तुम्हें लात मार के निकालेंगे इस अलायंस से और एक और अलायंस बनाएंगे। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब कुछ बचा नहीं है, ना MRI काम आएगा, ना एक्सरे, ना CT स्कैन। मैं बता रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी शव की तरह है, इट इज ऑलरेडी डेड, और इसीलिए कोई भी इसको हाथ नहीं लगाना चाहता क्योंकि राहुल। मेरा मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डेड नहीं होती, सब पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव रहती हैं, कभी कोई काम कर जाता है, कभी कोई दूसरा काम कर जाता है। और जहां तक एक तीसरे मोर्चे की बात करी गई और PDA का नाम समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी दे दिया है, अखिलेश यादव इसकी मीडिया में चर्चा भी कर चुके हैं और कहा है कि इस बार PDA सामने खड़ा होगा। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और ऑब्लिक अगड़ा भी कर दिया गया है, तो यह एक वाकई बड़ी बात है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े। व्यूअर्स, अब आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का। एक वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। इसी का नतीजा था कि धर्म के नाम पर भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे और एक नया मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान बन गया था। हालांकि यह भी फैक्ट है कि अगर तब पाकिस्तान को बनाने की वकालत करने वाले आज जिंदा होते तो शायद उस देश की हालत को देखकर अपने किए पर खूब शर्मिंदा होते या फिर कहे तो रोते भी। लेकिन धर्म के नाम पर डिमांड का जो चलन तब शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है, फिर चाहे मांग जायज हो या फिर सरासर नाजायज। ताजा डिमांड जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने की है। अरशद मदनी ने कहा है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए 8वीं यानी 8th क्लास के बाद अलग स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। अरशद मदनी के मुताबिक पूरी रणनीति के साथ मुस्लिम लड़कियों को गैर मुसलमान बनाने की साजिश हो रही है, यह आरोप है उनका। हैरानी की बात यह है कि जब स्कूलों में हिजाब का विरोध होता है तो संविधान की दुहाई दी जाती है, धार्मिक आजादी का हवाला दिया जाता है, लेकिन जब मुस्लिम लड़कियों के अधिकार कुचलने हो तो इन्हें संविधान याद नहीं आता, क्योंकि वही संविधान कहता है कि भारत में हर बालिक यानी एडल्ट को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। जब देश की संसद लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करती है तो इसका भी विरोध करते हैं। इनके जैसी मानसिकता के लोग वो काम करते हैं जो उनके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। कहा जाता है कि अगर
लड़कियों की जल्दी शादी नहीं की गई तो उन्हें बिगड़ने का डर है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ सरकार खड़ी हुई तब भी इन जैसी सोच के लोगों ने विरोध किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो नाम लेते ही ऐसी मानसिकता वालों की सांसें थम जाती है। ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि अगर यूसीसी आया तो बहुविवाह जैसी कुप्रथा पर ट्रिपल तलाक की तरह हमेशा हमेशा के लिए रोक लग जाएगी। आपने ध्यान दिया होगा कि इस सारे मुद्दों का केंद्र बिंदु महिलाएं हैं और हिजाब से लेकर अलग स्कूल की मांग तक, ट्रिपल तलाक से लेकर बहुविवाह तक, ऐसा लगता है कि जैसे महिलाओं को जीता जागता इंसान समझने की बजाय किसी ऑब्जेक्ट की तरह रखने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब ऐसी सोच बर्दाश्त से बाहर है। व्यूअर्स, आज का मुद्दा किसी धर्म विशेष का मुद्दा नहीं है। बैड प्रैक्टिसेस के इस दौर में हर धर्म में फॉलो की गई है, लेकिन वक्त के साथ बुरी आदतें भी छोड़नी पड़ती है। बाल विवाह, सती प्रथा जैसी बुरी प्रथाएं छोड़ी गई।